नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। महाराशिफल 7 अक्टूबर 2021 में आप सभी का स्वागत है। मिथुन राशि के जो भी दर्शक हैं उन सभी का स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं सुबह का संक्षिप्त पांचांग। सूर्योदय होगा 6:16 पर, सूर्यास्त होगा 5:59 पर, तिथि है प्रतिपदा, योग है वैगति, नक्षत्र चित्रा, वार गुरुवार, चंद्र राशि कन्या 10:18 तक, फिर तुला, सूर्य राशि कन्या अभिजीत मुहूर्त 11:44 से लेकर 12:31 दोपहर तक, अमृत काल 3:23 PM से लेकर 4:50 PM तक, राहु काल 1:35 PM से लेकर 3:03 PM तक। और आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने घर के सभी शुभ काम कर सकते हैं। अब बुरे दिन खत्म, अब शुभ कामों के लिए आपको आजादी होगी। हम मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, तो मिथुन राशि की गोचर कुंडली आपके समक्ष है। इस कुंडली को भी एक बार देख लीजिए। बुध आदित्य योग बन रहा है और पराक्रम योग भी बन रहा है और ये सब चतुर्थ भाव में हो रहा है और चंद्रमा जो है पंचम भाव से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो अब राशिफल को जानते हैं। नव दुर्गा की कृपा से आपको पहला नवरात्रा बहुत ही शुभ परिणाम देकर जाने वाला है। आपके घर में प्रसन्नता होगी, शिक्षा प्राप्त होगी, बच्चों को संतान की तरफ से आपको बहुत शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके सभी काम बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, आपको पूर्ण ईमानदारी बरतनी होगी। शेयर मार्केट में धन निवेश करके जबरदस्त लाभ कमाया जा सकता है। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। नौकरी व्यापार में जबरदस्त सफलता के योग बन रहे हैं, प्रगति के योग बन रहे हैं। आप किसी जानने वाले व्यक्ति से मिल सकते हैं, आप किसी से मुलाकात करके बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं। यात्रा सुखद होगी, फायदेमंद होगी, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चलेगी, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, पैसा आएगा, आमदनी के नए सौदे होंगे, नए रास्ते खुलेंगे, पारिवारिक लोगों के साथ सहयोग बढ़ेगा, मित्रता बढ़ेगी, रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगी, रिश्तों में गलतफहमियों को पैदा ना होने दें, रोमांटिक रिश्ते आज खूब फले फूलेंगे, लव मैरिड आज अच्छी फीलिंग के साथ एक दूसरे से बातचीत करेंगे, नए प्रेम संबंध या मित्रता बनने के भी योग हैं। जो बच्चे खेल कूद में सफलता चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया दिन रहेगा। वक्त कम होगा, सफलता अधिक होगी, एकदम वक्त जल्दी जल्दी बीतता चला जाएगा। शुगर रोगी थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज नौकरी हो या व्यापार हो, आप सीखेंगे और सिखाएंगे भी। आज आप धन कमाएंगे, धन कमाने के लिए सीधा रास्ता अपनाएं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। धोखेधड़ी से कुछ होने वाला नहीं होगा। दूसरों के खिलाफ अपशब्द आपको नहीं बोलने हैं। आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, नहीं तो हानि हो सकती है। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। आज आप लग्जरी सुख भोगने वाले हैं, यानी कि अच्छा सुख भोगने वाले हैं हर एक चीज का। मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे, परिवार के प्रति समर्पण बढ़ेगा, आप दयालु होंगे, अच्छे न्यायप्रिय व्यक्ति होंगे, कर्म करने वाले इंसान होंगे, अच्छे व्यापारी और अच्छे कर्मचारी भी होंगे और अच्छे पति पत्नी माँ बाप होंगे, पुत्र होंगे, पुत्री होंगे। यानी आज मिथुन राशि वाले सौभाग्यकारी दिन का जो इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया। माँ शैल पुत्री की आराधना करने से आपको लाभ होगा और हनुमान जी की आराधना भी करते रहिए। आपके लिए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की वाला दिन हो जाएगा ये। तो मिथुन राशि वाले आनंद करें, मौज मस्ती करें और अपने जीवन में खुशियां पाते चले जाएं। आपके लिए दिन बढ़िया है। अब हम जानते हैं कि क्यों हमें अपनी जन्म कुंडली बनवानी चाहिए। एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो अपनी जन्म कुंडली में सबको लिखवा कर लाता है कि उसका पिछला कैसा था, अगला जन्म कैसा होगा, यानी वर्तमान का जन्म कैसा होगा। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रह नक्षत्र दशाएं, ग्रहों का बलाबल, ग्रहों की युति ये बताती है कि आपको क्या शुभ परिणाम कब और कैसे मिलेंगे। अगर बचपन में ही हम कुंडली को देखें तो उसके बाद हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि इस बच्चे में क्या दोष है, इसका कब निवारण करना चाहिए। वक्त रहते हुए उसका निवारण करते हैं, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, यानी कि बचपन से ही उसे सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग कुंडली बहुत लेट दिखाते हैं। ज्यादातर लोग कुंडली तो तब दिखाते हैं जब उनकी शादी ब्याह होती है। तो ऐसे में आप जब बहुत लेट दिखाते हैं तो कई लोगों का जीवन बड़ा स्ट्रगल से बीतता है। नौकरी पढ़ाई इन सब में तो स्ट्रगल होता ही है, इसके साथ साथ पारिवारिक कष्ट भी होते हैं या फिर हम कहें शारीरिक कष्ट भी होते हैं। तो अगर जन्म कुंडली की विवेचना सही वक्त पे करा दी जाए तो
तो सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं सुखी होता है जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, जो उसके साथ रहने वाले व्यक्ति हैं उनको भी सुख प्रदान होता है। इस बात को भी आप दिमाग में रखें। हो सकता है किसी बच्चे की कुंडली में कोई ऐसे योग बन रहे हों जिससे वो बच्चा स्वयं परेशान हो और परिवार के अन्य सदस्यों को भी परेशान करे, और हो सकता है कि उसकी कुंडली में कुछ ऐसे संयोग या अच्छे योग बन रहे हों जिससे वो खुद का भी भला करे और परिवार का भी भला करे। कई बार शुभ योग या संयोग फलित नहीं हो पा रहे होते हैं क्योंकि वो कमजोर स्थिति में होते हैं, तो उपायों को करके हम उनको मजबूत बनाते हैं, इसका लाभ पूरे कुटुंब को मिलता है। तो इसीलिए वक्त रहते अपनी कुंडली की जांच कराना जरूरी है। अब एक बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये उसकी कुंडली तय करती है। अगर उसको डॉक्टर बनना है और घर वाले उसको कोई MBA की पढ़ाई कराने लग जाए तो उसका करियर चौपट हो जाएगा। हो सकता है वो MBA करके भी पैसा कमाए, लेकिन अगर वो डॉक्टर बनता तो शायद वो दुनिया का पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करता। फर्क ये आता है। हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति डॉक्टर बनता तो वो मन से काम कर रहा होता या कर रही होती, और अभी आपने गलत उसको व्यवसाय करवा दिया तो वो बेमन से कर रहा है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि शादी ब्याह में हम कुंडली देखकर ये आपको बता सकते हैं कि आपको किस उम्र में शादी करनी चाहिए। अक्सर लोग गलत उम्र में शादी करके अपनी मुसीबतों को दावत दे देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की शादी की उम्र 25 साल है तो उसको 25वें साल में ही शादी करनी चाहिए या उसके बाद करनी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली कहती है कि उसे 25वें साल में शादी करनी चाहिए और वो व्यक्ति 24वें साल में शादी कर लेता है, एक दिन का भी फर्क पड़ता है, तो वो व्यक्ति परेशान होगा, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। दूसरा सवाल ये होता है कि व्यक्ति वक्त से पहले ही शादी के लिए परेशान होता रहता है और फिर अंत में थक हार कर गलत निर्णय लेकर अपना और अपने परिवार का जो है वक्त खराब करता है और नुकसान करता है, और जिसकी जिंदगी खराब हुई वो एक तो अलग बात है। तो कुंडली को वक्त पर दिखाने से आपको ये समस्या का हल भी हो जाएगा। हमें कब मकान बनाना चाहिए? व्यक्ति कोशिश करता है कि हम जल्द से जल्द कमाएं और एक मकान बना लें। क्या मकान बनाने की आपकी सही उम्र आ गई है? हो सकता है आपके पास पैसा हो और आप वक्त से पहले मकान बनाकर उस मकान से ही बर्बाद हो जाएं, और हो सकता है कि हम आपको ये बताएं आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद कि आपको 40 साल की उम्र में मकान बनाना है कि या 35 साल की उम्र में बनाना है। आप एक मकान बना सकते हैं कि दो मकान बना सकते हैं कि तीन मकान बना सकते हैं, ये सारी जानकारियां कुंडलियों से ही मिलती हैं। अक्सर लोग गलत रत्न या गलत पूजा करते रहते हैं, देखा देखी करते रहते हैं, इससे भी अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो क्या आपको पूजा करनी चाहिए, क्या रत्न पहनना चाहिए, क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कब तक पहनना चाहिए, इसकी जानकारी भी कुंडली देखकर ही पता चल सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बिना कुंडली देखे हो ही नहीं सकती। इसीलिए कुंडली की विवेचना कराना, ग्रहों को मजबूत बनाना, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको सही करना बहुत आवश्यक है। पूजा पाठ स्टोन्स यानी कि जो रत्न है या रुद्राक्ष के अलावा आप अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने रिश्तों में ग्रहों को बेहतर करके भी अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। छोटे छोटे उपायों से भी आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी का सूर्य खराब हो तो पिता की सेवा करके लाभ मिल सकता है, किसी का चंद्रमा खराब हो तो वो माता की सेवा करे, किसी का मंगल खराब हो तो वो भाई की सेवा करे, और शुक्र को बढ़िया करने के लिए जीवन साथी का आपको प्यार पाना आवश्यक है, और गुरु अगर खराब है तो उसके लिए आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, और अगर केतु खराब है तो गुरु को मजबूत करे। इस प्रकार की छोटे छोटे उपाय जो हमें पता चलते हैं कुंडली देखकर। अक्सर व्यक्ति जो चीज उसे दान नहीं करनी चाहिए वो दान कर देता है, अपने सौभाग्य को दूसरों के हाथों दे देता है जिससे कि उसको नुकसान हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप अपने हाथ से ही अपना सौभाग्य दूसरों को दे देते हैं गलत दान करके। तो क्या दान करना है क्या दान नहीं करना है इसकी भी जानकारी कुंडली देखकर आपको बताई जाएगी। तो सब चीजों की जो स्टोरी बनी वो हुई आपकी जन्म कुंडली। अगर जन्म कुंडली वक्त पर आप दिखाएंगे
तो आप दुख नहीं पाएंगे। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो फिर हम हाथ की रेखाओं से भी आपका भविष्य बता सकते हैं। अगर हाथ की रेखाओं के अलावा न्यूमरोलॉजी है यानी अंक शास्त्र का भी सहारा लिया जा सकता है। घर को सही करने के लिए वास्तु और महावास्तु का जो अद्भुत प्रयोग करके बिना तोड़फोड़ के आपके घर को रहने योग्य बनाया जा सकता है, घर हो, फैक्ट्री हो, कार्यालय हो, और बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आपको आपके भविष्य की जानकारी दी जा सकती है। तो बहुत जरूरी है कि वक्त रहते आप अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराएं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ये बातें सुनकर कि आपकी आपको जीवन में कुंडली की विवेचना करानी चाहिए, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।